हेलो हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका वन किडे रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज का टाइटल है एक्सपायरी डेट, जो कि हिंदी तेलुगु वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है Zee5 पर 9 अक्टूबर 2020 से। हिंदी और तेलुगु सिनेमा की ऑडियंस काफी अलग है, अपने अप्रोच को लेकर भी और अपनी सेंसिबिलिटीज को भी लेकर। अगर हम हिंदी ड्रामा की बात करें तो वो काफी सटल होते हैं, काफी रिस्ट्रेंड होते हैं और अंडरप्ले किए जाते हैं। वहीं अगर हम तेलुगु ड्रामा की बात करें तो वो ओवर द टॉप होते हैं, लाउड होते हैं और काफी पेसी होते हैं। उनके एक्शंस के तो क्या कहने, वो एक्शंस में कमाल का काम करते हैं। उनकी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होती है और कई बार उनकी लॉयल फैन फॉलोइंग में वो हिंदी सिनेमा वालों से भी आगे। हिंदी सिनेमा की स्ट्रेंथ है उनका ग्लैमर क्वेश्चन और उनकी वर्सेटिलिटी। उनका प्रभाव रीजनल भाषा की फिल्मों में बहुत ज्यादा रहा है और दुनिया भर में हिंदी फिल्मों को फॉलो करते हुए आपको लोग नजर आएंगे, भाषाओं में फिल्म बनाने वाले नजर आएंगे, फिल्म मेकर्स नजर आएंगे, और उससे तेलुगु सिनेमा भी अछूता नहीं है। दोनों भाषाओं के, यानी कि हिंदी और तेलुगु भाषाओं के ऑडियंस अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों ने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साथ में को प्रोडक्शन करने के। मुझे याद है 1992 में राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी अंथम, जो कि तेलुगु में थी, और फिर उसी का हिंदी वर्जन द्रोही भी रिलीज हुआ था और दोनों में नागार्जुन थे और एक ही स्क्रिप्ट थी। उसके बाद उन्होंने रक्त चरित्र के दोनों पार्ट्स भी हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनाए थे। उसके अलावा सत्या 2 जब उन्होंने बनाई थी वो भी हिंदी और तेलुगु में थी। वैसे ही अगर क्रिमिनल नाम की एक फिल्म की बात करें जो कि महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी, वो तेलुगु में भी बनी थी और हिंदी में भी बनी थी। वैसे ही अपूर्व लाखिया की जंजीर जो थी कुछ साल पहले, वो भी हिंदी में और तेलुगु में थी। और अभी 3 साल पहले जो साहो नाम की फिल्म आई थी वो भी तेलुगु और हिंदी में थी। तो कई सारी फिल्मों का कोलैबोरेशन हुआ है। और आज चूंकि दौर अब वेब सीरीज का आया है तो नेचुरल और ऑर्गेनिक है कि वेब सीरीज में भी हिंदी और तेलुगु का मिक्स हो जाए या दोनों कोलैबोरेट करके कुछ अच्छी वेब सीरीज बनाई जाए। और ऐसे में आपके सामने है एक्सपायरी डेट, जो हिंदी में भी अवेलेबल है और तेलुगु में भी अवेलेबल है। इसको प्रोड्यूस किया है शरत मरार ने और इसको डायरेक्ट किया है शंकर मार्दंड ने, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर नाम है। और उन्होंने सबसे पहले चयन किया था स्नेहा उल्लाल का, क्योंकि वो कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहते थे जो कि हिंदी इंडस्ट्री में भी लोग उनको जाने और जिनको जाने तेलुगु इंडस्ट्री में भी, यानी कि जो दोनों इंडस्ट्री में पॉपुलर हो। इसमें स्नेहा उल्लाल उनको मिली। स्नेहा उल्लाल ऑलरेडी ब्रेक ले चुकी थी और बॉम्बे में थी। वो बॉम्बे में आके उससे मिले, उनको स्टोरी नरेट की, उनको पसंद आ गई, उन्होंने हाँ कहा, उसके बाद बाकी एक्ट्रेस का चयन हुआ। टोनी ल्यूक को डायरेक्टर ने देखा था बदला में तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन के साथ, और तभी से उन्होंने सोचा था कि इस लड़के के साथ आगे कभी तो काम करेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने टोनी ल्यूक को बुलाया तो उन्होंने हाँ कर दिया। और उसके बाद आई मधुशालिनी ऑन बोर्ड, जो कि हिंदी भी जानती है और तेलुगु भी जानती है। इस तरीके से क्रू बनने के बाद पहले इसके फिल्म बनाने का प्लान बना, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कहानी तो 2.5 घंटे के ऊपर की जा रही है, इसलिए फिर उन्होंने तय किया कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जाए। और इसकी शूटिंग शुरू की उन्होंने जनवरी 2020 से, और वो शूटिंग करते रहे, लेकिन कोविड के आने के बाद फिर लॉकडाउन हुआ और उनकी शूटिंग रुक गई और एंड के करीब 2 या 3 एपिसोड बच गए थे। उसके बाद वो राह देखते रहे रिलैक्सेशन की, और जैसे उनको रिलैक्सेशन मिला उन्होंने बाकी शूटिंग कंप्लीट कर ली रामोजी राव फिल्म स्टूडियो में, और उसके बाद का रिजल्ट अभी आपके सामने है। कहानी एक यंग कपल की है जिनकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही उनके कार की टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है, और उसमें जो पत्नी है वो गुस्से से बाइक वाले को एक थप्पड़ मार देती है। दूसरे दिन पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का उस बाइक वाले के साथ अफेयर है। अब पति अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन ऐसे में उसकी पत्नी की ही अचानक मौत हो जाती है और अब उसे उस लाश को ठिकाने लगाना है। इसके अलावा वो जो बाइकर है उसकी पत्नी का एक अलग ट्रैक है, उसके अलावा एक इंस्पेक्टर का ट्रैक है जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का मेन सूत्रधार है, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और स्टाइलिश है। उसके अलावा ये जो पत्नी मर चुकी है उसकी सिस्टर का एक अलग ट्रैक है। सारे ट्रैक्स इतने इंटरेस्टिंग है और इतने फास्ट पेस्ड है कि आप चकित रह जाते हो इतने सारे एंगेजिंग एलिमेंट्स को देखकर। इस वेब सीरीज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है इसकी स्क्रिप्ट, और इसके 10 एपिसोड्स में से हर एपिसोड की लेंथ 30 मिनट्स की, जो कि काफी पेसी और काफी कम है, क्योंकि इस 30 मिनट्स में आप इतने एंगेज हो चुके रहते हो कि कब ये 10 एपिसोड्स खत्म हो गए आपको पता ही नहीं चलता।
दूसरी स्ट्रेंथ है सुरेश रघातू की सिनेमाटोग्राफी और अरुण थचोत और टिंकू फिलिप्स की एडिटिंग। विजुअल अपील भी है और एक रिदम भी है। डायरेक्शन शंकर मार्तंड का तीसरा एस्पेक्ट है जो अच्छा है। और चौथा है तीनों मेन लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस। खामियों में सबसे बड़ी खामी है मेन लीड एक्ट्रेस के अलावा बाकी सारे एक्ट्रेस का तेलुगु होकर भी हिंदी बोलना। उनका हिंदी बोलना इतना कृत्रिम, इतना फेक और इतना मशीन लाइक लगता है कि आपको कोफ्त हो जाती है, आपको बुरा लगता है कि क्यों ये इस तरीके की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खामी है आर्ट डायरेक्शन की, बहुत ही शैलो है, बहुत ही पैची है। मतलब आप हैदराबाद के रिक्शा दिखा रहे हो, हैदराबाद के सारे लोकेशंस दिखा रहे हो और आप उसको बम्बई और लोनावला कह रहे हो, यानी कि अजीब सी बात है। और तीसरा सबसे बुरा एस्पेक्ट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो बहुत ही कर्कश है और कानों को तकलीफ देने वाला है। खूबियों और खामियों की अगर बात करें तो इस वेब सीरीज में खूबियां ज्यादा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दो भाषाओं के संगम को यानी कि कॉम्बिनेशन को करके एक नए एक्सपेरिमेंट को ईजाद किया है। मुझे लगता है कि सिनेमा की भाषा या वेब सीरीज की भाषा हर जगह एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि सिनेमा की भाषा यूनिवर्सल है। हर आदमी चाहता है कि वो दूसरी लैंग्वेजेस की भाषाओं की फिल्मों को एक्सप्लोर करें, उनकी सेंसिबिलिटीज को परखें, जांचें और उसको एंजॉय करें। इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कमाल के होते हैं और अच्छे होते हैं। पॉजिटिव अप्रोच है इस पूरी वेब सीरीज का, इसलिए मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार्स। गो फॉर इट।